हेलो स्टूडेंट्स, बैंकिंग में आज आप समाशोधन गृह के दोष के बारे में जानेंगे। इसके महत्व को आपने जाना, इसके क्या लाभ होते हैं, जहां पर लाभ या महत्व होता है कुछ करना कुछ कमियां भी होती हैं। समाशोधन गृह की कमियों में सबसे पहले सदस्यता के कठोर नियम, अर्थात हमारे देश में समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त करने के नियम बहुत ही कठोर हैं, जिसकी वजह से सभी बैंकें इसकी सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाती हैं और इस वजह से सभी को यह अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है कि वह समाशोधन गृह का कार्य करें। दूसरा है नियमों में एकरूपता का अभाव, अर्थात देश के कोने कोने में अलग अलग राज्यों में सभी समाशोधन गृहों के अलग अलग नियम हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। तो यह भी एक कमी है कि एकरूपता नहीं पाई जाती है। इसके बाद अपर्याप्त संख्या, अर्थात सभी बैंकों के पास ये सुविधा नहीं है। साथ ही साथ देश में जितनी आवश्यकता होनी चाहिए उतनी संख्या में समाशोधन गृह स्थापित नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से आज भी चेक के द्वारा भुगतान प्राप्त होने में कठिनाई होती है, अत्यधिक समय लग जाता है। विदेशी समाशोधन गृहों का अभाव, अर्थात विदेशी मुद्रा को देशी मुद्रा में और देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने में, या देशी चेक का विदेशों में भुगतान होने, या विदेशी चेक का देश के अंतर्गत भुगतान होने में काफ़ी कठिनाई होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि विदेशी मुद्राओं के लिए समाशोधन गृहों की स्थापना नहीं हो पाई है समुचित रूप से, जिसकी वजह से कठिनाइयां होती हैं। बाहरी चेकों के भुगतान प्राप्त करने में देरी, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक जिले से दूसरे जिले का यदि चेक किसी बैंक में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके भुगतान में 15 से 20 दिन, कभी कभी दो दो महीने लग जाते हैं। तो यह एक बड़ी समस्या है चेक के भुगतान प्राप्त होने की, और इसका कारण यह है कि आज भी देश में जितना समाशोधन गृहों की आवश्यकता है उतनी स्थापना नहीं हो पाई है। किंतु फिर भी हम यह कह सकते हैं कि जिस समय देश में समाशोधन गृहों की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक की स्थापना के समय केवल 4 समाशोधन गृह थे। वर्तमान समय में यह 1036 की संख्या में हो गए हैं, अर्थात वर्तमान समय में 1036 समाशोधन गृह देश में स्थापित हैं, जिनमें से 11 समाशोधन गृहों का प्रबंध सीधे RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके अलावा जितनी भी समाशोधन गृह स्थापित हैं उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी सहायक बैंकें तथा कुछ राष्ट्रीय बैंकें, राष्ट्रीयकृत बैंकें एवं प्राइवेट बैंकें इसका संचालन करती हैं। इस प्रकार देश में समाशोधन गृहों की स्थापना के बाद उसकी कमियों को हम अगर नज़रअंदाज करते हुए देखें तो समाशोधन गृह के लाभ बहुत हैं, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी तीव्र गति से व्यवसाय हो रहा है और साथ ही साथ बैंकों के माध्यम से लेन देन हो रहा है, जो खातों से खातों में हस्तांतरित हो रहा है। तो कमियां हैं इसके, ठीक है, इसमें सुधार समय समय पर होता रहा है और होता भी रहेगा, किंतु समाशोधन गृह से लाभ अधिक है और इसकी हानियां और इसकी कमियां उसकी तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, निष्कर्ष के रूप में बस आप इतना ही जानिए कि समाशोधन गृह काफ़ी लाभदायक है, जिसके द्वारा देश का विकास हो रहा है, धन का लेन देन आसान हुआ है,
और तीव्र गति से विकास होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास आपकी अगले दिन होगी। ओके, थैंक यू।